जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए लगाए जाने वाले संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के सभागार में किया गया। तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने फरियादियों की शिकायतों को सुना तथा शिकायतों के निस्तारण का निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों को समयबद्ध ढंग से विधिक व्यवस्था अनुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। सदर तहसील दिवस के संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 77 मामले आए, जिसमें से मौके पर 8 मामलों का निस्तारण किया गया एवं अन्य मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम गठन करते हुए त्वरित स्थलीय जांच के निर्देश दिए गए। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, बिजली चल रही है तकरीबन, बिजली काटे नहीं आप? नहीं। क्या कह रहे हैं, कितना कितना बकाया? वो कटवा उसने भाई ने कनेक्शन लिया, उसके चला रहे जैसे परिसर एक ही है वो हमारे, ये मशीन चला रहे, कितना फेज सेंशन है उसमें? तो मशीन है सारे, काफी मशीन है, हवा भरेंगे दो किलोवाट मशीन कितने दिन है? दो मशीन काफ़ी की मशीन है, हवा भरने काफ़ी की मशीन है, बड़ी दुकान है काफ़ी, और एक हवा भरने की मशीन है। उसी परिसर पे कनेक्शन क्या होगा? उस आदमी ने पैसा नहीं दिया है, आइंदा निकलवा लेते हैं सर, किस आधार पे कनेक्शन हुआ है और कुछ भी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमने पहले भी दिया था सर। चलो सर, इसकी आर्थिक आपकी क्या दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी नहीं है साहब, दुश्मनी ये है कि अगर यहाँ 10,000 बकाया है तो लाइन आप तुरंत काटते जी, नहीं बकाया था, हमने कहा एक दिन रुकिए, तो हम बिठाए हम कर आगे करते, और मेरे बगल में 2 लाख बकाया है, 4 लाख बकाया था, उसका कन्फर्म नहीं करता। क्यों होटल में बकाया है? 25-77 जगह इसका एक लड़का शराबी और के डी जी पी है पंजाब की, और इन लोगों को कब्जा नहीं लेने दे रही है, ये समझौते के डी जी का आदेश है, तीनों हालात में एक की मदर पर गई है, वो ये घूम रही है 20 साल से, और कहीं कोई इस नहीं है समझौते पे, इस पर अपील हो ही नहीं सकती। 20 जो बाउंड्री बनानी है बनाइए, सार बार जो भी देखो कि शराब उतार देंगे कल पत्ता के लिए जेल भेजूंगा हूँ। और दो तीन लोग इधर आनंद विजय सीधी दुबे बोला तो बाहर बैठे दूर दूर खड़े हो, चलो 2 मीटर की दूरी बनाए रखो, सबको सुनेंगे, सबको कब्जा कर रहे हैं। गोया हुआ गेहूं हमारा सर चंद्रभूषण दुबे, गुलरिया के लेखपाल कौन है? नहीं सर, धारा 41 नहीं है, गलत मैं बता, धारा 41 करवाया सर मैंने, और हाजी नंबर 50 का रिकॉर्डिंग होल्डर नहीं है वो, मैं बंटवारा किस बात की था जब उसको कुछ है नहीं, सबसे उसने गेट भी हटवा दिया फिर लगवा दिया सर, ये एसडीएम साहब 3-4 बार इनको आदेश दे चुके हैं सर, हटवा दीजिए गेट, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं सर, अब ये कह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया सर, हमने कास्का भी कही था सर, मैं लैंड जिसकी थी उससे नहीं आया।
25 साल पहले 94 का बैनामा चल रहा था। 94 से आज कब्जे मेरे पास है, 2007 से 94 से अभी तक आपका कब्जा नहीं? कब्जा है सर, वहाँ पे रास्ता बंद किया हुआ 2007 से, डिस्टर्ब बिहार से 2007-08 से जी सर। उसके बाद से कुर्सी भी शुरू हुई, उसने दीवानी किया, दीवानी से खाली जो गया सब कुछ, कुछ भी उसका नहीं सर, कहते हैं वो सब कुछ है सर। मैं सर 12 साल से मैं परेशान हूँ सर। आज ही कितने बजे आपका कोई कागज है? घर का मालिक सर, घर का कागज मिला है, मालिक जमीन में सब भरवाना है। अरे वो जमीन आपकी है, सब कुछ सब है, कुछ कागज है आपके पास? पट्टा होगा तो कैसी जमीन है? सारी जमीन की क्या थी? 20 जमीन है सर। ठीक है, हम झगड़ा बात का नाम नहीं देते सर। पीछे लगाए 17 तारीख गाँव के करीब 15-16 लाख रुपए एकदम सर। इसमें मामला क्यों नहीं है? म्यूचुअल बाद में बेईमानी आ गई उसमें। आपने जो पैसा दिया है वो आपका कमिटमेंट है, सीधा आपको ईमानदारी से करना होगा और वो तैयार से भी सरकारी पार्टी है और कार्रवाई। इसमें बस ये हुआ था कि बाद में जैसे वो आ गया होम लोन चुकाने के बहाने, इनसे जो भी आपस में भाई थे तुर्की के लिए भी भेज दिया था, 45 भी भेज दिया, कब्जा इनको दिलवाया। हो जाएगा आपका सब हो जाएगा, चाहिए तो बाद में बता देना। ठीक है, चाहिए हाँ बताइए। तहसील तो जैसा कि आपको मालूम है, तहसील दिवस जो हमारा होता है राजस्व संबंधी विवादों का तत्काल समाधान करने का प्रयास किया जाता है, और आज हम लोग ने गोरखपुर सदर तहसील का किया है, क्योंकि गोरखपुर सदर तहसील में कई सारी समस्याएं आ रही थी। हम लोग देखते हैं कि किस तहसील से लास्ट 1-2 महीनों में ज़्यादा समस्याएं और ज़्यादा गंभीर आ रही हैं, जनता दर्शन में किस तरह से, किस तहसील से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और उस तहसील में हम जाके प्रयास करते हैं कि चीज़ों का समय के अंतर्गत और नियमबद्ध विधिक तरीके से हम समाधान कर पाएँ।